जबलपुर की बरगी थाना पुलिस ने पूजा पाठ के नाम पर महिला के साथ धोखाधड़ी कर सोने चांदी के जेवरात हड़पने वाले ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। बरगी पुलिस को पूनम साहू नाम की महिला ने शिकायत की थी कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया था, जहां उसकी मुलाकात इलाज के दौरान एक अस्पताल में अरविंद पांडे नाम के व्यक्ति से हुई। उसके द्वारा महिला को बहला फुसला कर कहा गया कि उसके पति पर बाहरी हवा का साया है, जिसके लिए झाड़ फूंक कर उसके पति को ताबीज बांधना पड़ेगी, जिसके लिए पूजा उसके घर पर ही करनी होगी। इसके बाद ढोंगी बाबा के द्वारा महिला के घर पर जाकर पूजा पाठ करते हुए लाखों के सोने चांदी की जेवरात पार कर दिए गए थे। इसके बाद महिला ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को की, जहां पुलिस के द्वारा पूरे मामले की विवेचना करते हुए आरोपी अरविंद पांडे को भेड़ाघाट के मीरगंज से गिरफ्तार किया गया और हड़पे हुए सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए। एक जो महिला थी उसने आके शिकायत करी कि उसके पति जो है काफ़ी बीमार रहते थे, तो एक व्यक्ति जो था पांडे उसने उन्हें इंश्योर किया था कि मैं जो है वो अपने झाड़ फूँक और तंत्र के आधार पर आपके पति को पूर्णतः ठीक कर सकता हूँ। इसी कारण वो महिला जो है उनसे अपना पूजा कराने के लिए उन्हें अपने घर लेकर आई थी। पूजा के दौरान उन्होंने कहा कि आप अपने जेवर वगैरह यहाँ संभाल के रख दीजिए और ये वाला जो भी उन्होंने प्रोसेस बताया पूजा का वो करिए। जिससे वो कर रही थी वो पूजा करके जब चले गए, उसके बाद में बहुत दिनों बाद उन्होंने ये नोटिस किया कि शायद उनका जो सामान था वो मिसिंग।